ये महीने 7 तारीख में शाम को 8 बजे को 8:30 बजे को एक इन्फॉर्मेशन आए। इन्फॉर्मेशन में एक आदमी को अनकॉन्सियस में पड़े हो इधर मीरालम टैंक के फिल्टर बेड के पास। वो इन्फॉर्मेशन में हम जाके चेक कर लिए, चेक करे तो एक आदमी चाकू से मार लगा के मर गए है। उसका आइडेंटिफाई नहीं हुआ, इसलिए उसको पहले हॉस्पिटल को भेजाई। बाद में इंक्वायरी करे तो ये लोकल काजापाड़ी एरिया में वो दस्तगिरी हुआ, मालूम हुआ ऑटो ड्राइवर आइडेंटिफिकेशन हुआ। बाद में दस्तगिर के उसका भाई का बेटा से कंप्लेंट ले लिया, लेने के बाद ये केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए। ये इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ क्या, ये दस्तगिरी की 10 साल के पहले शादी लव मैरिज हुआ ये सईदा बेगम से। बाद में वो फैमिली में डिस्प्यूट आके दोनों डिवाइड कर लिए, फिर दस्तगिरी और एक शादी कर लिए और उससे फाइनली वो दस्तगिरी फिर सईदा बेगम को शादी कर लेके डेली ये दस्तगिरी पी के आके घर में पूरा लफड़ा कर रहे, उसको मार रहा कर रहे। तो इसको सईदा बेगम को भाई इलियासुद्दीन है उसको बोले तो इलियासुद्दीन 2-3 बार इसको दस्तगिरी बोले ऐसा ना को करो बोले तो फिर मैं सुन के दस्तगिरी ऐसा कर रहे तो कंटिन्यू तो उसको पैसा भी निकालने के इलियासुद्दीन उसका दोस्तों को रजाक और हसन को बोल के वो 7 तारीख की उसको ऑटो से लेके आके मीरालम फिल्टर बेड में चाकू से मार दिया। बाद में उधर से चले गए। ये केस में साउथ जोन DCP साहब साई चैतन्य और भिक्षम रेड्डी ACP चारमीन इसका गाइडेंस में बहुदेवपुरा इंस्पेक्टर माइक और SI नरसिंहराव और श्रवण कुमार पूरा टीम काम करके आज इलियासुद्दीन और रजाक और हसन को पकड़ के आज कोर्ट को भेज रहे।